नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज इसमें बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने हमेशा कहा है 158 टू 162 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर 160 का लेवल टूटता है क्लोजिंग बेसिस से तो ये एंट्री का एक्साइड को लेकर के सबसे अच्छा मौका होगा। दोस्तों, जब मैंने ये बात कही थी उसके बाद जो शेयर था वो 162 से दोस्तों लगभग 170 के आसपास चला गया था, और कईयों का ये कहना था कि क्या सर शेयर में एंट्री लें। दोस्तों, तब मैंने जिन्होंने क्योरी की थी, मैंने उन्हें से एक ही बात कही थी, पेशेंस रखिए, ये शेयर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये शेयर ऊपर जाएगा, और अगर जाता भी है तो 175 में इतना भयंकर इसके पास रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो इसको ना ये तोड़ पाएगा, कि पहले बात इसके पास वैसी कोई न्यूज नहीं है, ना ऐसा कुछ कहना चाहिए टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं है, ना वॉल्यूम्स कुछ शो कर रहे थे कि उसे तोड़ पाता, प्लस मार्केट वीक नहीं था दोस्तों, अल्ट्रा वीक है, जिसके कारण शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट चल रही है, पूरा का पूरा बाजार सेल ऑन राइज है दोस्तों। ठीक है, एक समय था जब बाय ऑन डिप्स में चल रहा था मार्केट, अब सेल ऑन राइज में चल रहा है, इन्फ्लेशन कमर तोड़ रखी है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की, यही कारण है कि शेयर गिर रहा है। तो क्या करें एक्साइड में दोस्तों, मैं आपको पर्सनल राय पे शेयर करूंगा अनबायस तरीके से, और मैं बता दूं आपको जो मैं आपके साथ कहता हूं वही मैं खुद भी के लिए भी करता हूं। मैंने कोई भी फ्रेश एंट्री एक्साइड में नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि मुझे वो शेयर उस समय थोड़े एक्सपेंसिव लगते थे, लेकिन हाँ, अब इस शेयर में मैं एंट्री बिल्कुल करने वाला हूं दोस्तों। बात करूंगा कौन से लेवल से कहां एंट्री करने वाला हूं, और क्या एक थोड़ा सा जो कहना चाहिए नेगेटिव है शेयर को लेकर के वो क्या है, वो थोड़ी चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बनी रहेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। चैनल की सब्सक्राइब होती है, ग्रोथ होता है दोस्तों, चैनल सब्सक्रिप्शन काफी कम हो रही है, इसलिए आपसे प्लीज दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ रिकमेंड कीजिएगा, प्लस मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब आपको सीधा लेके चलूंगा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए 1.90%, इसमें इतने की दोस्तों गिरावट हुई है, 1.90% की, ठीक है, और ये लगातार दोस्तों गिरावट जारी रह रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 5 दिनों में आप देखिए शेयर 5.5% से भी ज्यादा गिरा हुआ है, एक महीने में दोस्तों, केवल एक महीने में 9% से ज्यादा की गिरावट है। 6 महीने की आप बात करें 13% गिर चुका है, और अगर हाई की बात करें जो 190 के आसपास से था, तो वहां से आप बात करेंगे तो देखिए 15% ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। ईयर ऑन ट्वेंटी वही हाल है, एक साल में भी लगभग 16% है। तो देखिए, जब इतना बियरिश है दोस्तों ये, तो खरीदारी क्यों करें। एक बार जो बाउंस बैक भी जो आया था दोस्तों, ये वाला आप जो पार्ट देख रहे हैं वो केवल और केवल न्यूज ड्रिवन था। क्या न्यूज, आपको याद होगा कि एक्साइड ने अपने जो इंश्योरेंस की जो सेक्टर था वो HDFC लाइफ को बेच दिया था, यही कारण है कि इस गिरावट में लगातार शेयर गिर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं एक्साइड में करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं कि मैं बहुत ज्यादा अल्ट्रा बुलिश हूं, बुलिश नहीं अल्ट्रा बुलिश हूं एक्साइड को इन लेवल्स में दोस्तों। याद रखिएगा, मैं 170-175 में नहीं बोलता हूं, ये स्टार्टिंग के लिए, और स्टार्टिंग मैं कहूंगा बहुत अच्छा जोन है एक्साइड में एंट्री लेने का। और बाजार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, जिस तरह से दिखा रहा है, उसमें कमजोरी होगी, वीकनेस होगी, मैं ये नहीं बोलता एक्साइड यहां से बहुत तेज भाग जाएगा, लेकिन हाँ एंट्री के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आज 160 को तो 160 को तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस पे बंद होना, ये इसको स्ट्रक्चरली टेक्निकली और सपोर्ट हिसाब से भी बहुत वीक है दोस्तों। ठीक है, तो कौन से वो लेवल्स होने चाहिए जहां पे हमें दिखे कि हमें एंट्री लेनी है। उससे पहले मैं थोड़ा दोस्तों डेट की बात करूंगा। शेयर में डेट है दोस्तों, कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट है, ये बात इसमें मैं कहीं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जब आपको बताऊंगा कि डेट किस तरह इसे हिंडर कर रहा है इसकी ग्रोथ को। ठीक है, इसमें डेट है वो एक इशू है दोस्तों, लेकिन ये सब चीजें अब प्राइस में प्राइजन हो रही हैं, ये सब जो फैक्टर है इसमें प्राइजन हो रहा है। और ये शेयर के जो लेवल्स होने चाहिए वो क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए इधर, ये देखिए अभी ये दोस्तों ये मंथली बेसिस में, ठीक है, मंथली बेसिस का चार्ट है, क्योंकि वीकली और डेली बेसिस में ये लगभग सपोर्ट तोड़ चुका है दोस्तों। ठीक, तो कौन से वो चार्ट से? आप देखिए, ये देखिए ये मूविंग एवरेजेस है, ये टेक्निकल इंडिकेटर है, ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, इन सब में दोस्तों अभी भी बहुत बेरिश है शेयर।
आप देखिए, अगर आप फिबोनाची सीरीज में जाएंगे ना, फिबोनाची में, तो आप देखिए इस शेयर का जो ये इससे ये सारे लेवल तोड़ चुका है। ये नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है तो वो है 144.30। ये लेवल दोस्तों, इस शेयर में अगर ये लेवल आता है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा लेवल होगा ये। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ 144.30, अगर क्लासिक टाइप में भी जाएंगे टेक्निकल स्ट्रक्चर में, तो आप देखिए 144.30। और यही है दोस्तों मेरा पॉइंट, अगर ये 140 और इसको तोड़ता है दोस्तों, गिरावट और सीवर होगी 128 में, ठीक है। और देखिए जो 200 EMA है ना दोस्तों, 200 EMA वो कितना आ रहा है, 132 रुपए, यानी 132 रुपीज एक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक। तो यहां से 150 से अगर आप 160 से मानेंगे तो कितना, 10, आप मान लीजिए लगभग 10 से 15% की गिरावट करंट मार्केट प्राइस से, 10 to 15% की डाउनसाइड है दोस्तों, ठीक है। आप मान के चलिए 130 के आसपास भी आप मानेंगे, क्योंकि अभी शेयर 160 चल रहा है, तो 160 से आप 30 रुपए मान लीजिए तो होता है 16 दूनी 32 मान लीजिए, यानी 20% ऑन द अप्रोक्स 20%। और ये दोस्तों मैं कह रहा हूं अल्ट्रा लेवल में गिरी गिरावट होगी, मतलब जबरदस्त गिरावट, मार्केट में तबाही मच जाएगी, तब आपको ये 120% यहाँ से करेक्ट होते हुए दिखेगा। और अगर होता है दोस्तों बहुत अच्छा लेवल होगा वहां खरीदारी करने का। लेकिन मुझे पर्सनली, मैं बताऊं, मुझे ये शेयर दोस्तों 140 कहीं से टूटते दिखाई नहीं देता, यानी करंट मार्केट प्राइसेस 20 रुपए, यानी 10 to 15 मैंने इसलिए बोला था, ठीक है। और वहां आता है दोस्तों, देखिए गारंटी मार्केट में किसी भी चीज की नहीं है। आप देखेंगे मंडे को ऐसा होगा कि शेयर वहीं से भागने लग जाएगा, लेकिन हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखना दोस्तों, क्योंकि मार्केट किसी को कभी भी संभालने का मौका नहीं देता है। हमें पैनिक नहीं होना है, हमें पहले से तैयारी रखनी है कि कौन से वो लेवल्स हैं जहां पे अगर गिरावट होती है, अगर ये शेयर जाता है, तो मुझे वहां बैठना है और वहां पे धीरे धीरे एक्युमुलेट करना है दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल घबराइएगा मत, अगर शेयर भागता है तो जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट बहुत ज्यादा निगेटिव दोस्तों, बाइंग और सेल ऑन राइस में चल रहा है। आज 17,000 को भी तोड़ा है दोस्तों निफ्टी। अब यकीन मानिए, अगर 16,500 से 16,800 की जो रेंज है, अगर वो टूटती है तुरंत, एक या तीन या चार ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 16,000 पहुंचेगा निफ्टी, और वो बहुत पेनफुल रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा। इसीलिए शेयर में बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, गिरावट होती है आराम से रहिए, घबराइएगा नहीं। सिर्फ ये शेयर नहीं गिर रहा, या सिर्फ आपका पोर्टफोलियो लाल नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा मार्केट दोस्तों रेड है, ये बात समझिएगा, सबके पोर्टफोलियो में गिरावट हो रही है। इसीलिए आपके साथ कह रहा हूं, इत्मीनान रहिए, शांत रहिए, घबराइए मत, ये शेयर भी भागेगा जरूर दोस्तों। और एक्साइड में ये जो लेवल्स हैं एंट्री के लिए बेस्ट हैं, और मैंने आपसे जो कहा आज 160 तोड़ता है, आप फिर 152 से 155 के लेवल को चेक कीजिए, यहाँ यहाँ एक्यूमुलेट कीजिए। ये अगर तोड़े दोस्तों बहुत तेजी से, उसके बाद दोस्तों 150 को तोड़े, आप 148 के आसपास एंट्री लें अच्छे से, फिर आप 140 से लेकर के 142 में एंट्री लें, और फिर दोस्तों इस शेयर को आराम से छोड़ दें, ये शेयर भागेगा दोस्तों। एक्साइड बैटरी इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने वाली है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, यहाँ तक जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप एक्साइड में कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी वो लेवल्स हो, या कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ हो, आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।